सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे मैक्रम के लेटेस्ट और यूनिक डिजाइंस के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने बहुत सारे व्यूअर्स के डिमांड पर आप सभी को मैक्रम का बैंगल होल्डर बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पर्पल और व्हाइट कलर का कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह का 10 इंच का 4 पीस वुडन स्टिक चाहिए, 4 इंच का 1 राउंड रिंग चाहिए और इस तरह का बेल्स लेना है। और आप मटका बीट्स भी यूज कर सकते हैं या इस तरह का जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो बीट्स यूज करें। और एज अ लाइटर और सीजर, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर का कॉर्ड लिया है इस 4 इंच के रिंग को पाइपिंग करने के लिए। इसको पाइपिंग करने के लिए इस तरह से रखना है। सेम प्रोसेस से पूरे में हम पाइपिंग कर लेते हैं पहले। मैंने पाइपिंग कर लिया है। अब मैं इसके कॉर्नर को कट करूंगी और इसको लाइटर से स्टिक करना है। ये हो गया मेरा पाइपिंग। अब मैं ये जो वुडन स्टिक है इसके ऊपर भी पाइपिंग कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे पर्पल और व्हाइट कॉर्ड लिया है। इसको हम स्टिक के ऊपर इस तरह से रखेंगे और गोल गोल घुमाते चलना है। जब 1 से 2 राउंड लग जाए तब हमको यहाँ पे इसको स्टिक कर लेना है। इसको स्टिक कर लेंगे और इतना थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ दे। अब हम इसको कट करेंगे। और यहाँ पे स्टिक कर लेंगे। इस तरह से हम 3 वुडन बीट्स जो है 3 4 मैंने आपको कहा लेने के लिए, तो 3 में हम स्टिक कर लेंगे और एक को ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। यहाँ मैंने 3 कॉर्ड को पाइपिंग कर लिया है और 1 राउंड रिंग को पाइपिंग कर लिया है। अब मैं ये जो 4 इंच का राउंड रिंग है इस पे मैं यहाँ पे डिजाइन बनाऊंगी। इसको बनाने के लिए पहले हमको व्हाइट कॉर्ड मैंने यहाँ पे 1/2 मीटर में काटा है। 4 व्हाइट कॉर्ड चाहिए हमको, 1/2 मीटर में काटा है। और ये पर्पल कॉर्ड को मैंने 1/1 मीटर में 4 कॉर्ड को कट किया है। फिर 4 पर्पल और 2 व्हाइट कलर का कॉर्ड फंसाया है बीच के डिजाइन को बनाने के लिए। अब हम पहले यहाँ पे 4 पर्पल कॉर्ड लेंगे और उसमें हम नॉट लगाएंगे।
नॉट के बीच में एक नॉट लगाना है हमको। कॉर्ड है इसको दो सेक्शन में, फोर फोर कॉर्ड के सेक्शन में डिवाइड करना और अब इस फोर कॉर्ड को इसके ऊपर हमको फोल्ड करना है। सेम प्रोसेस से हम ये फोर कॉर्ड को भी इसके ऊपर ऐसे ही फोल्ड कर लेते हैं। सेंटर का फोर व्हाइट कॉर्ड लेना है और इसे यहाँ पे नॉट लगाना है। सेंटर के नॉट से दो कॉर्ड और साइड से दो कॉर्ड लेके यहाँ पे पर्पल वाले कॉर्ड को स्टिक कर लूंगी। क्या आप इसमें भी बेल्स लगा सकते हैं, इसको पहले बैक साइड से स्टिक कर लेते हैं। व्हाइट कॉर्ड को हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसमें हमको बेल्स लगा लेना है।
प्रोसेस मैंने यहाँ बेल्स लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे इसकी पट्टी बनाऊंगी दोनों तरफ। पहले मैं एक तरफ कुछ बना लेती हूँ और दूसरी तरफ का मैं आपको बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दो कॉर्ड लिया है इस तरफ जॉइंट के लिए और दो कॉर्ड इधर लिया है। ये कॉर्ड मैंने दो दो मीटर का लिया है। इस तरह का हमको लाइन बनाना है तो इसके लिए हमको कॉर्ड को अटैच करना है इस पे। नॉट लगाएंगे। फिर एक मोती, और फिर मोती के बाद नॉट। फिर मोती, मोती के बाद फिर सिक्स टाइम नॉट लगाना है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर हम एक बीट्स लगाएंगे। और फिर नॉट, फिर एक बीट्स और फिर सिक्स टाइम नॉट। इसके बाद फिर हमको दो बीट्स लगानी है। फिर नॉट, बीट्स के बाद फिर एक नॉट। अब मैं यहाँ पे एक इस तरह से लूप बनाऊंगी। इसके लिए हमको इस नॉट के बाद हमको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते हुए जी इस तरह से हमको यहाँ पे नॉट लगा लेना है, टाइट नॉट। एक लूप छोड़ना है और लूप में आपका स्टिक को फंसा के देख लें। ये दोनों बीच के कॉर्ड को टाइट से पकड़ लें। उसके बाद अपना लूप चेक कर लें कि साइज फिट आ रहा है। ये फिट आ रहा है, इसका डिस्टेंस सही है। अब सेम प्रोसेस होगा। इस नॉट के बाद हम यहाँ पे दो बीट्स लगाएंगे। एक बीट्स, फिर नॉट, एक बीट्स, इसके बाद सिक्स टाइम नॉट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और फिर हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे।
है मैंने। डिस्टेंस नाप लेंगे कि दोनों का डिस्टेंस सही है या नहीं, ये हाइट पे लग रहा है दिखने में। और फिर यहाँ पे मैं दो बीट्स लगा करके और 6 टाइम नॉट लगाऊंगी। एक बीट्स, फिर नॉट, फिर बीट्स और फिर 6 टाइम नॉट लगाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6 डिस्टेंस नाप लिए, सही है। ये 1, 2 लूप लगा। अब यहाँ पे फिर मैं 2 बीट्स और एक ये 6 टाइम मूव्स के बाद फिर यहाँ पे एक लूप लगा लूंगी थर्ड स्टिक के लिए। फिर हम यहाँ पे 2 बीट्स लगाएंगे। एक बीट्स, फिर नॉट, एक बीट्स और फिर 6 टाइम। 2, 3, 4, 5, 6 टाइम नॉट लगा करके और इसको हम दोनों तरफ के मतलब इस लाइन के लेंथ को माप लेते हैं कि दोनों लंबा है कि नहीं, तो एक बराबर है कि नहीं। ये दोनों एक बराबर है, हम पहले माप लेंगे। अब देखिए इसमें मैं यहाँ पे स्टिक फंसा के आपको बताती हूँ। साइड 2 सेंटर का 2 रहने देना है धागा और तो इस तरह से इसमें फंसाना है। इधर भी वैसे ही करेंगे, ये देखिए। ये देखिए और इसका बेल्ट भी ठीक मतलब पोजीशन पे लगा है, तो ये फिट आ गया है। अब यहाँ पे मैं ये चौथा स्टिक जो है इसको यहाँ पे लगाऊंगी। इसके पहले मैं इस पे डिजाइन बना लेती हूँ, उसके बाद मैं इस स्टिक को यहाँ पे ऐसे ही लूप बना के अटैच करके और फिर डिजाइन को फिनिश करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस स्टिक में मैंने फंसाने के लिए यहाँ पे 3 जगह कॉर्ड कट किया है। ये मैंने 12 कॉर्ड वाइड कॉर्ड कट किया है जिसको मैंने यहाँ पे 1-1 मीटर में काटा है। ये 8 कॉर्ड है जिसको मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर में काटा है और ये 4 कॉर्ड है जिसको मैंने 2 मीटर में काटा है। तो अब मैं स्टिक के ऊपर कॉर्ड को फंसा लेती हूँ। दो व्हाइट कॉर्ड लिया मैंने और फिर 1.5 मीटर वाले 4 पर्पल कॉर्ड लेना है।
4 व्हाइट पॉट फसाएंगे। अब फिर यहाँ पर 4 टूमिटो वाला जो कॉर्ड था उसको मैं यहाँ फंसाऊंगी। अब फिर 4 व्हाइट कॉर्ड। फिर 4 पर्पल कॉर्ड 1.5 मीटर वाला। और अब लास्ट में 2 व्हाइट कॉर्ड। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप होगा ये जो 4 पर्पल कॉर्ड है उसके सेंटर का 2 कॉर्ड का कि बीच का 2 कॉर्ड लेकर हमको इसमें बीड्स लगाना है एक। और अब ये व्हाइट वाले 4 कॉर्ड को लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के 4 व्हाइट कॉर्ड को इसको इसके ऊपर फोल्ड करना है। स्टार्ट करते हैं फोल्ड करना। सेम इधर वाले 4 कॉर्ड से हम ये इधर पर्पल कॉर्ड को फोल्ड करना है हमको। अब हम यहाँ पे जो 4 कॉर्ड एक जगह इकट्ठा हुआ है 8 कॉर्ड उसमें से हम सेंटर के 4 कॉर्ड को लेकर नॉट लगा लेते हैं।
सेम प्रोसेस से हम ये पूरे ये स्टिक के एक लाइन को इस तरह से बना करके तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ऊपर का एक कॉलम 1-3 से बना लिया है और हम यहाँ पे इस तरह का कॉलम यहाँ भी बनाएंगे। इसके लिए हम सेंटर का फ्रेंड्स, यहाँ मेरा ये ब्लॉक 1, 2, 3, 2 और 1 का ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे कॉर्ड को कट करूंगी। पहले हम सेंटर के 4 कॉर्ड पे एक डिस्टेंस ले लेते हैं, एक हाइट ले लेते हैं। अब इसी के हाइट से सेम हम बेल्स लगाएंगे इस तरह से और इसको स्टिक करके ऐसे गोल घुमा लेंगे। ये गोल गोल घुमा हुआ रहेगा। Thank you.
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने बेल्स लगाया है तो ऊपर का जो 4 पर्पल कॉर्ड है इसको मैं यहाँ पर स्टिक कर लेती हूँ। फोर पर्पल कॉर्ड को मैंने इधर साइड पे स्टिक कर लिया है। उसके बाद मैंने सारे में बेल्स को फंसा लिया है। अब मैं इधर वाला जो मेरा लाइन है इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाया है हार्ट डिजाइन, तो इस तरफ भी हम ऐसे ही डिजाइन बनाएंगे। लास्ट था, लास्ट के ऊपर ये वाला जो डिजाइन है इसको हम रखेंगे, और ये जो सेंटर का 2 कॉर्ड है इसको ऊपर रखना है, और बाकी के दोनों कॉर्ड को नीचे से लिख करके हमको यहाँ पर नॉट लगानी है इस तरह से। यहाँ पे मैंने एक नॉट लगाया। अब फिर 2 मोती डाल लेते हैं, 2 बीट्स। एक यह नॉट लगाएंगे, फिर बीट्स, और फिर 6 टाइम नॉट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम नॉट, और फिर अब 2 बीट्स डाल लेंगे इसमें। हम इसको यहाँ पे इस तरह से कट करके और बेल्स लगा लेते हैं। इसको 1/2 इंच के डिस्टेंस पे कट लगा करके इसे बेल्स डालना है। इस तरह से मैंने नीचे का पोर्शन तैयार किया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर बैंगल होल्डर बना के तैयार किया है। अब मैं इसमें आपको बैंगल डाल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे बैंगल को होल्ड कर दिया है, और ये बहुत कम मेकअप में बनता है, आप जरूर ट्राई करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने यहाँ पे 4 इंच के रिंग में इसको पाइपिंग किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2-4 व्हाइट और 4 पर्पल कॉर्ड फंसा के ये ब्लॉक तैयार किया, फिर बेल्ट लगाया, फिर 2-2 कॉर्ड दोनों तरफ 2-2 मीटर का लगा करके मैंने ये डिजाइन बनाया। फिर उसके बाद तीनों ये जो ये स्टिक है इसको मैंने फंसाया, और फिर मैंने नीचे यहाँ पे इस तरह से डिजाइन बनाया।
ये देखिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग मी, बाय बाय एंड टेक केयर।